So, आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। फिलहाल मैं शो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा कंपनी गार्डन, वहां पर जाकर के हमको नगर निगम बिलासपुर के साथ एक एक्टिविटी करनी है। बहुत चीजें चल रही हैं अभी, और आज बर्थडे भी है रत्ना का, तो वहां शाम को भी जाना है। सारी चीजें आपको दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माई नेक्स्ट व्लॉग एंड माई यूट्यूब चैनल। दुनिया की भूल भुलैया में हर कोई बिजी है, पर स्वच्छता भी तो अपनी हम नगर निगम बिलासपुर को स्वच्छ बनाने की शपथ लेते हैं। बिलासपुर बनेगा स्वच्छपुर। अब नहीं चलेगी लापरवाही, क्योंकि अब है बिलासपुर को स्वच्छपुर बनाने की बारी। माय एफएम द्वारा स्वच्छपुर के हित में जारी। पूरा दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था और कुछ शूट नहीं कर पाया मैं। अभी मैं आ गया हूँ घर, और मैं आपको घर दिखा देता हूँ कि हमने कैसे सेट कर लिया है फाइनली थोड़ा बहुत। एक कारपेंटर आने वाला है जो अलमारी को ठीक करेगा आकर के, और फिर फाइनली मेरे कपड़े जो है वो अलमारी में जाएंगे, जो बेड के ऊपर पूरे बिखरे पड़े हुए हैं, ऐसे तैसे फेंक के रखा हुआ है हमने। बट हमने हॉल जो आप देख पा रहे हैं ये हमने थोड़ा बहुत सेट किया है, चलिए दिखाते हैं। अभी नहा लूंगा और इसके बाद जाएंगे हम रत्ना के बर्थडे में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा किचन एरिया है, किचन के अंदर चलते हैं। हमने किचन को बहुत अच्छे से सेट करने की कोशिश की है। हमने भगवान का मंदिर भी, जो हमारा छोटा सा मंदिर, हमने किचन में रख दिया, और अभी पूरी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं क्योंकि शानू और करण ने दोपहर में लंच बनाया था। और ये हमारा हॉल है जिसको मैंने मतलब कोशिश किया है कि सेट किया जा सके, पर ये जैसे घर में होता है वैसे टिपिकल नहीं है, बिकॉज हम लोग के पास में चीज़ें कम है। हम बाहर रहते तो इतनी चीज़ें रखते भी नहीं। मैंने अपने ट्रॉफी वगैरह यहाँ पर रख दी, शानू का स्टडी टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, और बस कल राहुल आया था रात में, उसने सेट किया चीज़ें। मेरा रूम अभी ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पूरे कपड़े इस बॉक्स में पड़े हुए हैं और बैग में भरा पड़ा है मेरा बहुत सारा कपड़ा है। तो अलमारी टूट गई है हमारी थोड़ी सी, इसलिए सारे कपड़े मैंने इधर उधर फेंक कर रख दिए हुए, और जैसे अलमारी बन जाएगी तो अभी रख देंगे। नीचे अलमारी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लाते लाते अलमारी टूट गई, और आज जो है कारपेंटर आएगा, फिर वो अलमारी सेट करके जाएगा, फिर देखते हैं। ये है करण और आदर्श का रूम। इस रूम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर इनको विंडो मिल गई है जो बालकनी साइड खुलती है, सामने से बहुत अच्छा व्यू आता है और गार्डन वगैरह, मतलब फ्रेश एयर। ये रूम काफ़ी ठंडा भी रहता है, और सामने ही मैंने अपने बालकनी में प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं जो मेरे पास में थे कुछ प्लांट्स। और उसके बाद फिर हम आ गए ओजस, यहाँ पर करण को शूट करना था वीडियो। हेलो, आज इसका बर्थडे है, तो आज हम लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं रत्ना का, तान्या पांडे। ये नई दोस्त कब बना ली रत्ना? मेरी दोस्त तो बहुत यंग लग रही है रत्ना। एंड देन हम यहाँ से निकल के चले गए मैग्नेटो मॉल, वहाँ पर हो रहा था फ्लैश मॉब जो डेंडर कॉलेज के बच्चे कर रहे थे। यहाँ पर हमको नगर निगम की एक्टिविटी करनी थी, सबसे प्लेज लेना था कि हम नगर निगम बिलासपुर को स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज लेते हैं, तो ये सब हमने यहाँ पर किया। ने बहुत अलग अलग सोशल कॉज पर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया। फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी मतलब लोगों को अपने साथ बांध के रखा, तो हमने सोचा कि यहीं पर हम प्लेज ले लेते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस के जस्ट बाद मैंने फिर इनका प्लेज लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम प्लेज रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद हम सीधे वहाँ से निकल पड़े। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज अलमारी को रिपेयर करने वाले आने वाले हैं, तो अलमारी भी रिपेयर हो रही है, और फाइनली मेरे कपड़े अब अलमारी में शिफ्ट हो सकते हैं। This is the ending of my vlog. Thank you so much for watching the video. And आज नया दिन हो चुका है। अभी चार पांच दिन से हालत इतनी टाइट है, एक तो ऑफिस में कुछ एक्टिविटी चल रही है, क्लास का भी काम है, और घर भी शिफ्टिंग हुआ है नया नया, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, बट कोशिश है कि कुछ तो हो। एंड आई नो आज की ब्लॉग में ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा मैं चीज़ें डाल पाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग देख रहे हैं, आप कॉमेंट देख रहा हूँ मैं, अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल।